العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد كلمة لا إله إلا الله حسني فمن دخل حسني فأمن من عذابي صلوات بهجة محمد وعلى محمد جس حدیث شریف کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے یہ وہ حدیث ہے کہ جسے ہمارے آٹھویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اس وقت کہ جب آپ کی سواری نیشاپور پہنچی ہے اور لوگوں کا ہجوم اور لوگوں کا اصرار اس موقع پر امام نے فرمایا کہ مجھ سے بیان فرمایا ہے میرے والد بزرگوار نے اور ان سے بیان کیا ہے ان کے والد بزرگوار یعنی چھٹے امام نے اور ان سے بیان کیا ان کے والد بزرگوار یعنی پانچویں امام نے اور ان سے بیان کیا ان کے پدر بزرگوار یعنی چوتھے امام نے اور انہوں نے سنا امام حسین سے امام حسین نے سنا امام حسن سے امام حسن نے سنا امیر المومنین سے امیر المومنین نے سنا رسول اللہ سے رسول اللہ نے سنا جبرائیل سے جبرائیل نے سنا اللہ سے ایک صلوات بھیج دے محمد علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی لا الہ الا اللہ ایک مضبوط اور محکم قلعہ ہے اور جو بھی اس قلعے میں آ گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا اس کے آگے امام نے فرمایا بے شرطہا و شروطہا لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں
और उन शर्तों में से एक शर्त मैं हूं। अव्वल इस हदीस का जो सिलसिला है, आम तौर से हदीसों के सामने आने के बाद, हदीसों की तिलावत के बाद, हदीसों को सुनने के बाद, एक सबसे बड़ा मसला जो हदीसों के सिलसिले में आता है कि ये हदीस किसने बयान की, किससे बयान हुई, किसने सुनी, सही है, ज़ईफ़ है, कवि है, मुरसल है, क्या है। लेकिन ये हदीस की जो हमारे आठवें इमाम से हम तक पहुंची है, इस हदीस का सिलसिला इतना मोतबर है कि जिस हदीस के सिलसिले को सिलसिलतुस ज़हब कहा जाता है, यानी रसूलुल्लाह से लेके और इमाम रज़ा तक कोई गैर मासूम इस सिलसिले में है ही नहीं है, और जितने हैं सब के सब मासूम हैं कि जिनसे कहीं भी गलती और खता का इम्कान भी नहीं है कि एक जेर जबर भी इधर उधर हो जाए। और ये वो सिलसिला है कि जिस सिलसिले के लिए मुसलमानों के चार इमामों में से एक इमाम इमाम मालिक कहते हैं कि यह सिलसिला इतना पाक है, इतना मोतबर है, इतना मुअस्सर है कि अगर दीवाने के ऊपर इसे दम कर दिया जाए तो वह अकलमंद और दाना हो जाए। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो यह है सिलसिला, सिलसिले रवायत, या जिस सिलसिले से यह रवायत इमाम रजा तक पहुंची और फिर इमाम रजा ने इसे बयान फरमाया। इस हदीस में हम शियों का जो अकीदा है उस अकीदे को बयान किया गया है। अव्वल अकीदा तौहीद और दूसरे अकीदा नबुवत या अकीदा रिसालत और तीसरे अकीदा इमामत, तीन अकीदों को इस हदीस में बयान किया गया है। और हकीकत यह है कि जितने भी अकीदे हैं वो सब इन्हीं तीनों अकीदों के गिर्द घूमते हैं। जितने भी हमारे अकीदे हैं वो इन्हीं तीनों अकीदों के गिर्द घूमते हैं, या तो तौहीद के गिर्द, या नबूवत के गिर्द, और या फिर इमामत के गिर्द। ये जो तौहीद का अकीदा है, अगर आप जनाब आदम से लेके खत्ती मर्तबत हबीब खुदा अहमद मुस्तफा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अंबिया और मुरसलीन की जिंदगियों के ऊपर नजर करेंगे तो जितने भी अंबिया आए हैं सब की तबलीग का मुश्तरक जो किरदार था और मुख्तलफ मुश्तरक जो बयान था वो था अल्लाह की वहदानियत की तरफ लोगों को दावत देना। और अल्लाह की वहदानियत से मुतालिक लोगों को आगाह करना, जनाब आदम से लेके खत्मी मर्तबत तक, यहां तक के जब पैगंबर खत्मी मर्तबत मबूस व रिसालत हुए हैं तो पैगंबर ने भी अपनी तबलीग की इब्तिदा ही यहीं से की। ना अभी नमाज का जिक्र है, ना रोजे का बयान है, ना हज की बात है, ना खुम्स का तस्किरा है, ना जकात की बात है, ना जिहाद का बयान है। शुरुआत कहां से हो रही, ना अभी इमामत का तस्किरा है, ना अपनी नबूवत की बात है। शुरुआत कहां से हो रही है, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लहु, कहो अल्लाह एक है कामयाब हो जाओगे। जाहिर सी बात है कि जिस समाज में पैगंबर उस खुदा वहदहु ला शरीक की वहदानियत की बात कर रहे थे उस समाज में वहदानियत का जिक्र आसान नहीं था।
मुख्तलिफ नजरियात और मुख्तलिफ अकीदों में बटा हुआ समाज, मुख्तलिफ खुदाओं की पूजा और इबादत करने वाला समाज, हर वक्त का खुदा अलग था, हर दिन का खुदा अलग था। आप सुनते रहते कि 360 बुत खाने काबा में रखे थे। ये 360 बुत कौन से थे? यानी हर रोज खाने काबा जाओ तो अलग अलग बुत की इबादत करो। आज इसकी इबादत होगी, कल इसकी इबादत होगी, परसों इसकी इबादत होगी, उसके बाद इसकी इबादत होगी। हर दिन का खुदा अलग। और ऐसे में पैगंबर मक्के की गलियों में फरमा रहे हैं, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लहू, कहो अल्लाह एक है कामयाब हो जाओगे, कहो अल्लाह एक है फलाह पा जाओगे। और जाहिर सी बात है कि इस बयान के बाद जो रिएक्शन आना चाहिए था वो आया, जो रिएक्शन होना चाहिए था वो हुआ। आया मुमकिन है कि आप जिस मुल्क में जिंदगी गुजार रहे हैं, जहां मुख्तलिफ किस्म के मजाहिब और मुख्तलिफ किस्म के अधियान के लोग रहते हैं, और किसी चौराहे पे खड़े होकर जाके अपने मजहब की बात कीजिए, अपने धर्म की तरफ लोगों को दावत दीजिए, मुमकिन है? नहीं मुमकिन है, हो ही नहीं सकता। आप कहेंगे लीजिए साहब, क्या जनाब मरवाना चाहते हैं, क्या पिटवाना चाहते हैं? लेकिन पैगंबर खत्ती मर्तबत उस समाज में कि जहां मुख्तलिफ खुदाओं की इबादत हो रही थी, मुख्तलिफ खुदाओं की परस्तिश की जा रही थी, वहीं पैगंबर खत्ती मर्तबत उसी मक्के की गलियों में उसी के चौराहों के ऊपर खड़े होकर आवाज दे रहे थे, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लहू, कहो अल्लाह एक है कामयाब हो जाओगे। वहां भी यही हुआ, वहां भी यही हुआ जो होता है कि जैसे ही पैगंबर ने यह बात की, सबकी त्योरियों पे बल पड़ गई, ये कौन आ गया मेरे शहर में मेरे होते हुए, हमारे खुदाओं के मुकाबले में ये किस खुदा की बात की जा रही है। लेकिन अब जो दरवाजा खोला देखा तो हैरत की इंतहा ना रही। ये तो वो है कि जिसको 40 साल तक हमने कहा है कि तुम सच के अलावा कुछ कहते ही नहीं हो, एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुम सच के अलावा कुछ बयान ही नहीं करते हो, सच के अलावा कुछ कहते ही नहीं हो, अब क्या करें? इसके बावजूद आप देखिए मजहब की बात आई है, दीन का मसला, हमारे खुदाओं की बात है, लिहाजा अब पत्थर भी मारे जा रहे हैं, कांटे भी बिछाए जा रहे हैं, रुकावटें भी खड़ी की जा रही हैं, तोहमतें और इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। पैगंबर ने यह सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन इस अपने मिशन और मकसद और अकीदे से पीछे नहीं हटे। अब दूसरा सवाल पैदा होता है कि पैगंबर खत्मी मर्तबत ने ये मक्के की गलियों में तौहीद की बात क्यों की? नमाज कहते हैं, नमाज पढ़ो, नमाज देखो, माह रमजान आ रहा, रोजा रखो, देखो तुम लोग इतने बड़े बड़े ताजिर हो, व्यापारी हो, यहां से अपना सामान लेके शाम तक जाते हो, जकात दिया करो, तुम लोग खुम्स निकाला करो, तुम लोग आओ मेरे साथ मैदान जंग में। सवाल यह कि मक्के में हुजूर ने न नमाज की बात की, न रोजे की बात की, न हज की बात की, न जकात की बात की, न खुम्स की बात की, न जिहाद की बात की, क्यों ऐसा किया पैगंबर ने? पैगंबर जानते थे, और बिल्कुल सामने की चीज भी है, कि जब मुकाबिल अभी समझा ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि जब उसने आपके खुदा ही को नहीं माना है तो आपके खुदा की कैसे मान लेगा? लिहाजा जरूरत इस बात की है कि खुदा की मनवाने से पहले खुदा को मनवाया जाए, खुदा की मनवाने से पहले खुदा को मनवाया जाए। लिहाजा इसी गरज से पैगंबर ने क्या किया,
पैगंबर ने पहले खुदा को मनवाया, और जब न सिर्फ मक्का बल्कि अरब का एक बहुत बड़ा इलाका और एरिया उस खुदा वहदुल्लाह शरीक की वहदानियत का इकरार कर चुका, और पैगंबर मक्के से मदीने आ गए, अब एक एक करके हुक्म आना शुरू हो गया, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, देखो जिहाद पे जाओ, देखो ज़कात निकालो, देखो खुम्स दो, देखो हज के लिए जाओ। अगर मक्के में पहले ही मरहले में पैगंबर इन तमाम अहकाम का हुक्म देते तो एक न मानता, एक कबूल न करता कि जब हम आपके खुदा ही को नहीं मानते तो आपके खुदा की को माने। लेकिन अब हो गया पैगंबर के लिए आसान कि जब इन लोगों ने अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लिया और अल्लाह के वजूद को मान लिया, तो अब जब पैगंबर ने कहा कि नमाज पढ़ो तो ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं नमाज पढ़ो, कहा जिस मेरे कहने पर, मेरे कहने पर, मेरे समझाने पर जिस खुदा वहदहुल्ला शरीक की वहदानियत का इकरार किया है वही वाहिद और यक्ता खुदा कह रहा है कि नमाज पढ़ो, वही वाहिद और यक्ता कह रहा है कि रोजा रखो, वही वाहिद और यक्ता कह रहा है कि जकात और खुम्स दो, वही वाहिद और यक्ता कह रहा है कि मैदान जिहाद में जाओ, वही वाहिद और यक्ता कह रहा है कि हज करो, एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अब मसला आसान हो गया पैगंबर के लिए। तो इमाम रजा ने इस हदीस में तीन अहम अकीदों को बयान किया है, एक अल्लाह की वहदानियत, दूसरे रसूलुल्लाह की रिसालत, और तीसरे अइम्मा अलैहिस्सलाम की इमामत। कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह खिस्मी, देखो ला इलाहा इल्लल्लाह एक मजबूत कला है, और जो भी इस कले में आ जाएगा वो फलाह पा जाएगा, कामयाब हो जाएगा, बेशर्तहा व शुरूतहा। लेकिन देखो इस कले में दाखिल होने के लिए एक शर्त है और कुछ शर्तें हैं, वो अना मिन शुरूतहा, और उन्हीं शर्तों में से एक शर्त मैं हूं, एक शर्त मैं हूं। अब यहां के ऊपर उलमा ने, मुफस्सरीन ने बयान किया, मुहद्दिसीन ने जिक्र किया कि यहां पर शर्त से मुराद पैगंबर खत्ती मर्तबत की रिसालत है, और शुरूत से मुराद अइम्मा अलैहिस्सलाम की इमामत है, अइम्मा अलैहिस्सलाम की इमामत है। तो अगर आप वहदानियत तक यहां तक मेरे साथ आए हैं तो अब आइए रिसालत, पैगंबर खत्ती मर्तबत एक नबी के तौर पे, एक उसके रसूल के तौर पे मक्के वालों के दरमियान में जाहिर हुए थे, मबऊस पर रिसालत हुए थे। 40 साल इसी मक्के में है लेकिन कोई ये नहीं जानता कि ये नबी है, 40 साल इसी मक्के में है लेकिन कोई ये नहीं जानता कि ये रसूल है। 40 साल के बाद जाहिर कर दिया आपने को, 40 साल के बाद जब मबूस पर रिसालत हुए, पहली वही आई, तो अल्लाह के रसूल ने जहां यह बताया कि देखो अल्लाह एक है, वहीं ऐसा ना हो कि कोई सोचे कि यह तो एक आम इंसान की बात है, लिहाजा वहीं पैगंबर ने फरमाया कि देखो मैं उसकी तरफ से नबी बनकर आया हूं, मैं उसकी तरफ से रसूल बनकर आया हूं। अब सवाल यह पैदा होता है कि नबी और रसूल की पहचान का तरीका क्या है, कैसे समझा जाए कि यह नबी है, कैसे जाना जाए कि रसूल है। तो इसके कुछ तरीके हैं जो मुतकल्लिमीन ने बयान किए हैं, उन तरीकों में से एक तरीका यह है कि जाने वाला नबी आने वाले नबी की इत्तला देकर जाए, जाने वाला नबी आने वाले नबी के मुताल्लिक बता के जाए।
आप सोहफ इब्राहिम, सोहफ मूसा, सोहफ ईसा उठाकर देखिए, जब वो खुद आए हैं तो उन्होंने अपनी बात आने वाले अंबिया का तस्करा किया। इसी तरीके से जनाब मूसा जाने लगे तो अपने बात के अंबिया का, जनाब ईसा जाने लगे तो अपने बात, जनाब ईसा के बाद कोई नबी ही नहीं था सिवाय पैगंबर खत्ती मर्तबत के। लिहाजा पैगंबर खुद जनाब ईसा ने फरमाया कि देखो मिन बादी इस्महु अहमद, मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा, अहमद। आज एक बहुत बड़ी बहस खुद यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान है, और जैसा कि आपको मालूम है कि इन चारों किताबों में जो आसमानी किताबें कही जाती हैं, कुरान वो किताब है कि जो तहरीफ से महफूज रह सकी, बाकी जितनी किताबें हैं सब में तहरीफ हो गई। तहरीफ का मतलब यानी कुछ का कुछ हो गया, और अपने मिजाज के मुताबिक, अपने मिजाज के मुताबिक अहकाम ढाल लिए और वो जबूर और इंजील और तौरात में शामिल कर दिए ताकि वो दीन का हिस्सा बन जाए और ये खुद इनको अमल करने में आसानी हो जाए कि नहीं ये हमारा नहीं, ये खुद नबी बता कर गए हैं, ये नबी बता कर गए हैं। जिसके नतीजे में उम्मते मूसा जनाब मूसा से हट गई, उम्मते ईसा जनाब ईसा से दूर हो गई इस तहरीफ की बुनियाद पर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो जो असल जबूर थी, जो असल इंजील थी, वो कहां है, वो कहां है असल इंजील? थी तो इन्हीं लोगों के पास, जो उम्मते मूसा थी तो उम्मते मूसा ही के पास तो जबूर थी, वो जो उम्मते ईसा है तो उम्मते ईसा ही के पास तो इंजील है, तो वो असल इंजील कहां है, असल जबूर कहां है? तो अब ये आलम यहूद और आलम नसारा में एक बहुत बड़ी बहस है, क्योंकि जो हकीकत होती है उसको बुजुर्ग जो होते हैं वो जानते होते हैं। तवज्जो कीजिएगा जुमले के ऊपर, अगरचे वो अपने नीचे वालों को हकीकत से आगाह न करे लेकिन उनको सब पता होता है। लिहाजा यही वजह है कि आज यहूदी और ईसाई उलमा और राहिबों के दरमियान में एक बहस है कि हम उस असल इंजील की तरफ क्यों रुजू नहीं करते, उस असल जबूर को क्यों नहीं देखते कि जिसमें सब कुछ जनाब मूसा अपनी कौम को और जनाब ईसा अपनी कौम को बता कर गए हैं। तो उसी इंजील में लिखा हुआ कि देखो मेरे बाद एक नबी आएगा उसका नाम अहमद होगा, और यही जबूर और इंजील की पेशन गोइयां थी कि जिसकी बुनियाद पर यहूद और नसारा यसरब की पहाड़ियों के दरमियान में आबाद हुए थे। काहे के लिए? नबी आखिर आएगा, यहां से जाहिर होगा, हमारे नबी कह के गए हैं कि जब आ जाए उसे कबूल कर लेना, उसे मान लेना, उसे तस्लीम कर लेना। एक सलावात भेजते मोहम्मद वाले। तो एक शर्त यह है कि जाने वाला नबी आने वाले नबी की के मुतालिक बता के जाए। दूसरी पहचान नबी की यह है कि नबी खुद कहे, खुद ऐलान करे कि मैं अल्लाह की तरफ से नबी बनकर आया हूं। तीसरी शिनाख्त और पहचान इस दावा नबूवत और रिसालत में, अगर अवाम कुछ तलब करे तो वो दिखाए, जिसको कहते हैं मोजिजा, जिसको कहते हैं मोजिजा। अब जाहिर सी बात है क्योंकि आज विलादत से मुतालिक महफिल है और बात कहीं से कहीं निकल जाएगी, वरना एक बहुत बड़ी बहस है कि मोजिजे में और जादू में, टटके में, टोने में और बाकी यह जो कसरत करके, वर्जिश करके, मेहनत करके जो चीजें हो जाती हैं उसमें और इसमें क्या फर्क है, ये एक अलग मजलिस है, इसके ऊपर एक अलग उनवान है। मैंने अर्ज किया अगर इसको बात छेड़ूंगा तो फिर महफिल का वक्त उसी पर खत्म हो जाएगा। वरना जादू में और मोजिजे में क्या फर्क है? मोजिजा अलग है, जादू अलग है। बस इतना बता देता हूं सिर्फ एक मुख्तसर से जुमले में कि जादूगर
चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन जो मोजिज़नुमा होता है वो चैलेंज करता है कि इसकी काट लाके दिखाओ, ऐसा करके दिखाओ, इसकी काट लाके दिखाओ, इसको करके दिखाओ। तो जादूगर या जितने भी अफराद हैं, चाहे वो पहलवान हो या जो भी हो, वो जो भी काम करते हैं उस पे वो चैलेंज नहीं कर सकते कि जो मैंने कर दिया वो कोई कर नहीं सकता, लेकिन नबी ये खुदा चैलेंज करता है। मोजिजा कब दिखाता है? मोजिजा कोई ऐसा नहीं कि चलते फिरते बच्चों ने कहा बापू जरा कुछ दिखाओ, और उन्होंने बापू ने दिखाना शुरू कर दिया रोड के ऊपर कि देखो ये देखो ये हमारे हाथ के ऊपर ये देखो संग्रेजा कलमा पड़ रहा है। मोजिजा कोई तमाशा नहीं है, मोजिजा कोई खेल नहीं है। जब मुकाबिल जिद पे अड़ा होता था और वो दलील मांगता था, तो नबी खुदा रसूल खुदा अपनी नबूवत और रिसालत के दलील के तौर पे मोजिजे को पेश करता था। जनाबे साले, जनाबे हूद, जनाबे साले, जनाबे साले से उनकी कौम ने कहा कि हम मान लेंगे, लेकिन एक शर्त है, हम मान लेंगे कि आप नबी हैं, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या है? कहे जो पहाड़ी है इसकी तरफ इशारा कीजिए और यहां से ऊंट निकले, ऊंटनी निकले, ऊंटनी, ऊंटनी निकले इससे। जनाबे साले ने कहा मान लोगे? कहा मान लेंगे। फिर कहा कबूल करोगे? कहा कबूल करेंगे। हर तरीके से जनाबे साले ने, जब उन लोगों ने जमानत दे दी कि नहीं नहीं आप दिखाइए और आप कर कीजिए, हम आप पर ईमान ले आएंगे, कबूल कर लेंगे, जनाबे साले ने एक इशारा किया, इशारा किया तो ऊंटनी और साथ में बच्चा, कि किसी को शक भी ना हो कि ऊंटनी नहीं ऊंट है। दादा अगर तुमने कहा था ऊंटनी तो ऊंटनी ही देखो आई है, ऊंट नहीं आया है। इशारा करो तो ऊंटनी निकले। जनाबे साले ने इशारा किया और ऊंटनी आ गई। जनाबे मूसा, जादूगरों ने रस्सियां फेंकी, वो सब सांप बन गई, सांप बन गई, और सांप बन के अपने एक दूसरे को खाने लगे। इधर जनाबे मूसा को हुक्म हुआ, मूसा तुम अपने असे को फेंको, असे को फेंको। जनाबे मूसा ने असे को फेंका, जैसी असे को फेंका असा अजदहा बन गया। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इससे बेहतर नारे सलावत। असी को पे तो असा अजदहा बन गए, अजदहा बन के उन तमाम रस्सियों में जो सांप बनी थी उनको खाने लगा। कुरान कह रहा है कि जितने भी जादूगर थे ये सब के सब सजदे में चले गए, सारे जादूगर सजदे में चले गए। क्यों? इसलिए कि उनको यकीन हो गया था कि इससे बड़ा जो मैंने जादू दिखाया था इससे बड़ा जादू हो ही नहीं सकता था, और ये जो दिखा रही है जादू नहीं ये मोजिजा है। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाबे ईसा अपने दौर में कहते मबरूस आपकी खिदमत में आते थे, उनके जिस्म के ऊपर हाथ फेरते थे वो शिफा पा जाते थे, मुर्दा आपकी खिदमत में लाया जाता था, अल्लाह के हुक्म से उसे जिंदा कर देते थे। पैगंबर खती मर्तबत का जमाना है, पैगंबर ने भी बहुत से मोजिजात दिखाए। तो मोजिजा कोई खेल नहीं, तमाशा नहीं है। नबी ये खुदा और रसूल खुदा खुद दलील नबूवत और दलील रिसालत के तौर पर उसे पेश करता है। तो इमाम रजा ने इस हदीस में पहला अकीदा बयान किया, अकीदे तौहीद, और दूसरा अकीदा, दूसरे अकीदे नबूवत या रिसालत। तीसरा जो अकीदा आठवें इमाम ने बयान किया, बिशर्तिहा व शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा, एक शर्त है और कुछ शर्तें हैं। इन शर्तों से मुराद, इमामत है।
इमामत है। तौहीद पे मुख्तसर आपकी खिदमत में बयान किया, रिसालत से मुताल्लिक, अब थोड़ा सा इमामत से मुताल्लिक सुन लीजिए। इमामत क्या है? इमामत हकीकत में एक तरीके से इदामा है उसी सिलसिले हिदायत का जो नबूवत और रिसालत के सूरत में जारी हुआ था, उसी को जारी रखना, उसी को आगे बढ़ाना, उसी को जारी रखना, उसी को आगे बढ़ाना। जब पैगंबर खत्ती मर्तबत आखिरी हज से वापस हुए तो पैगंबर को हुक्म हुआ, या ही और रसूल बल्लिग मा अंज़िला इलैका मिन रब्बिक, पैगंबर आप ऐलान कर दीजिए, आप सुना दीजिए, बता दीजिए, वो पैगाम दे दीजिए कि जो आप पर नाजिल किया जा चुका है, और अगर आपने ये ना पहुंचाया तो गोया कार्य रिसालत अंजाम न दिया। और आप घबराइएगा नहीं, पीछे ना हटिएगा, जरा भी दिल छोटा ना कीजिएगा, अल्लाह लोगों के शर से आपकी हिफाजत करने वाला है। पैगंबर ने काफिले को रोका, जाने वालों को बुलाया, आने वालों का इंतजार किया, 120,000 का मजमा। पैगंबर ने पालान शुतर का मिंबर तैयार कराया और उस मिंबर के ऊपर पैगंबर, आगे आगे पैगंबर और पीछे पीछे जानशीन पैगंबर, पैगंबर तशरीफ ले गए, शानदार खुतबा इरशाद फरमाया, और खुतबे के इरशाद फरमाने के बाद पैगंबर ने अमीरुल मोमिनीन को अपने हाथों पर बुलंद किया, और बुलंद करने के बाद लोगों को दिखाया और दिखा के फिर फरमाया, अल्लाह मेरा मौला है, मैं मोमिनीन का मौला हूं, फमन कुंत मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका जिसका मैं मौला हूं उसका उसका ये अली मौला है। एक सलावात भेज दे और यहां से एक तरीके से पैगंबर खत्मी मर्तबत ने अपने बात के लिए पूरा रास्ता तरीके से मुय्यन कर दिया, मुशख्खस कर दिया, दिखा दिया, बता दिया, वाज़ह कर दिया, ताकि मेरे बाद उम्मत किसी भी शक शुबे में ना रहे, इधर उधर बहकने ना पाए। अगर आप खुतबे गदीर उठाकर देखें तो खुतबे गदीर खुद बता रहा है कि पैगंबर क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। ये तो खाली उसी खुतबे की दरमियान की एक छोटी सी हदीस है कि मन कुंत मौला फहाजा अली मौला, कि जिसका जिसका मैं मौला हूं उसके उसके अली मौला। लेकिन पैगंबर ने इस खुतबे में इस ऐलान से पहले क्या क्या बयान किया, इस ऐलान के बाद क्या क्या बयान किया। तो खुद ये जो ऐलान पैगंबर का था, यह खुद एक तरीके से पैगंबर मुशख्खस कर रहे थे, मुय्यन कर रहे थे अपने बाद अपने उम्मत की राह को, कि देखो ये है तुम्हारी राह, ये है तुम्हारा रास्ता। लेकिन हुआ यह कि पैगंबर का इंतकाल हुआ, और पैगंबर का इंतकाल होते ही उम्मत पैगंबर के इस बताए हुए, मुशख्खस किए हुए, मुय्यन किए हुए रास्ते से हट गई, जिसके नतीजे में आज तक आप देख रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा का क्या हाल है। और ये सारे हालात उन्हीं हालात का नतीजा है, ये जो कुछ भी इन 1400 सालों में हुआ है या हो रहा है, ये सब उसी एक इन्हराफ का नतीजा है, एक इन्हराफ का। अगर उम्मत उस दिन पैगंबर के इंतकाल के बाद मुनहरिफ ना हुई होती तो ये हालात ना होते, ये नौबत ना आती। अब सवाल ही पैदा होता है कि इमामत क्या कुरान में है, इमामत क्या हदीस में है, इमामत क्या अक्ल से साबित है। तीनों तरीकों से इमामत को साबित किया गया है, कुरान मजीद में भी मुख्तलिफ किस्म की आयतें, मुतअद्दिद आयतें कि जो खुद इमामत के सबूत और इमामत के दलील के तौर के ऊपर पेश की गई हैं, जिसमें इमाम के मकाम को, इमाम की अजमत को, इमाम के मर्तबे को समझाया गया है। जहां एक मकाम के ऊपर खुद नबू अंबिया की इमामत को बताया गया है, मुरसलीन की इमामत को समझाया गया है, वहीं एक जगह पर यह कहा गया कि देखो इमाम हादी भी होते हैं और इमाम यानी हिदायत करने वाले भी होते हैं और इमाम गुमराह करने वाले भी होते हैं, इमाम हिदायत करने वाले भी होते हैं और इमाम गुमराह करने वाले भी होते हैं। तो जहां कुरान मजीद में आपको इमामत से मुताल्लिक आयतें मिलेंगी,
वहीं खुद पैगंबर खत्ती मर्तबत ने मुतअद्दिद हदीसों में इस इमामत के ऊपर गुफ्तगू फरमाई है। पैगंबर की हदीसों का एक हिस्सा वो है कि जो अमीरुल मोमिनीन की इमामत से मुताल्लिक है, और एक हिस्सा वो है कि जो इमाम हसन और इमाम हुसैन या बाकी तमाम आइम्मा की इमामत से मुताल्लिक है, जिसमें आइम्मा की इमामत को समझाया गया, बताया गया, या बाकायदा नाम, यही आयत जब नाजिल हुई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, जनाबे जाबिर ने सवाल किया, या रसूलल्लाह कौन है ये साहिबान अम्र, पैगंबर ने उस मौके के ऊपर एक एक नाम बताया है, ए जाबिर ये मेरे बाद मेरे खुलफा हैं, ये मेरे बाद मेरे जानशीन हैं, ये मेरे बाद उम्मत के हादी हैं, इनमें के पहले अली हैं, फिर हसन है, फिर हुसैन है, फिर अली इब्ने हुसैन है, फिर मोहम्मद इब्ने अली, जाबिर ये वो मेरा बेटा है जिसका जमाना तुम पाओगे, और जब मेरे इस बेटे से मुलाकात हो मेरा सलाम कहना, मेरा सलाम पहुंचा देना, और उसके बाद पूरा सिलसिला यहां तक कि पैगंबर ने फरमाया ए जाबिर देखो आखिर में वो मेरा जानशीन होगा कि जो उस वक्त जहूर करेगा कि जब कुफ्र और जलालत से दुनिया भर जाएगी, और वो आने के बाद इस कुफ्र और जलालत से भरी हुई दुनिया को हिदायत और अदालत से भर देगा। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले, तो इमामत अक्ल कुरान से भी साबित है, इमामत हदीस से भी साबित है, इमामत अक्ल, और अक्ल के सिलसिले में तो वो वाकया ही काफी है, वो जो बसरे की मस्जिद वाला वाकया है, जनाब हिशाम ये छठे इमाम के शागिर्द थे, छठे इमाम के सहाबी थे, इमाम के सहाबियों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी कि जिनके ऊपर इमाम को एतमाद था, कॉन्फिडेंस था इमाम को, उन्हीं में से एक जनाबे हिशाम थे। जनाब हिशाम मस्जिद में गए, देखा मस्जिद के इमाम साहब मिंबर पर तशरीफ फरमा है और लोग उनको घेरे हुए हैं और कुछ सवालात हो रहे हैं। हिशाम करीब गए, अब जो देखा तो देखा गुफ्तगू इमामत पे हो रही है, अब वो शिया शिया ही क्या जो इमामत पे गुफ्तगू हो और वो आगे बढ़ जाए, फौरन रुक गए वहीं के ऊपर, इमामत के ऊपर गुफ्तगू और मस्जिद बसरा में, और ये साहब खड़े हो गए, वो भी देखा इमामत में गुफ्तगू, और इमाम साहब फरमा रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं कि इमाम अल्लाह की तरफ से हो, और ये हक पैगंबर ने अपनी उम्मत को दिया है, उम्मत जिसको चाहे अपना इमाम बनाए, और जिसको चुनेगी, जिसका इंतखाब करेगी, वही उम्मत का इमाम और उम्मत का हादी और रसूलुल्लाह का जानशीन और उनका खलीफा होगा। जनाब हिशाम आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद कहा इजाजत हो तो एक सवाल मैं भी कर लूं, इमाम साहब ने इजाजत दे दी, इजाजत तो दे दी, लेकिन जो हिशाम के सवाल का अंदाज था, तरीका था, उसने इमाम साहब के पारे को बिल्कुल ऊपर पहुंचा दिया। सवाल किया कि इमाम साहब ये बताइए कि आपकी आंखें हैं, जाहिर सी बात किसी से भी सवाल किया जाए गुस्सा तो आएगा ही कि सामने देख रहा है बैठ रहा है, यहां हम मसले मसाइल बयान करने के लिए आए, हदीसें सुनाने के लिए, और ये कह रहा है आपकी आंखें हैं, तो बहरहाल वो जवाब दिया कि हां बताओ हैं, कह इनसे क्या काम लेते का, अगर आंखें ना होती तुमको देखता कैसे, ये देख रहा हूं इसी आंखों वजह से। तो फिर सवाल किया आपके कान हैं, आपके हाथ हैं, आपके पैर हैं, बस जल्दी जल्दी तमाम जिस्म के हिस्सों के मुतालिक जनाब हिशाम ने सवाल किया, और एक एक के मुतालिक पूछते रहे, ये क्या इससे क्या काम लेते हैं, 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 और इमाम साहब बताते रहे कि मसलन इससे आंख से देखता हूं, कानों से सुनता हूं, जबान से बोलता हूं, हाथों से चीजों को उठाता हूं, पैरों से चलता हूं, वगैरह वगैरह। आखिर में जनाब हिशाम कहते हैं कि ये बताइए कि आपके दिल है, अब गुस्से और भी दिल है क्या मतलब, कहा नहीं मैं पूछ रहा हूं, जितना पूछ रहा हूं उतना आप बता दीजिए कि आपके दिल है, अगर दिल न होता तो देखता कैसे, दिल ना होता तो सुनता कैसे, दिल ना होता तो
ये हाथ पैर और तमाम आज़ा और जवारे काम कैसे करते? जनाब हिशाम ने कहा कि इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने आपके जिस्म के अंदर भी एक इमाम को रखा है। अल्लाह ने आपके जिस्म के अंदर भी एक इमाम को रखा। क्या मतलब? काफी ने भी फरमाया है कि आंखें थोड़े देखती हैं, दिल देखता है। अगर दिल ना हो तो आंखें ना देखें। कान नहीं सुनते हैं, दिल सुनता। अगर दिल ना हो तो कान ना सुने। ये जबान नहीं बोलती, ये दिल बुलवा रहा है। लेकिन अगर दिल ना हो तो जबान ना बोले। ये हाथ चल हरकत नहीं कर रहे, दिल कर रहा है। अगर दिल की हरकत बंद हो जाए तो हाथों की हरकत बंद हो जाएगी। ये पैर नहीं उठ रहे हैं, ये दिल धड़क रहा है। अगर दिल धड़कना बंद कर दे तो ये पैर उठना छोड़ देंगे। बस एक मरतबा जनाब हिशाम कहते हैं, अफसोस तुम्हारे हाल हजार पे कि अल्लाह ने कहा। और इसके अलावा इसका क्या काम होता है? इससे और क्या काम लेते हैं दिल से? का दिल का काम यह होता है कि जब ये हमारे जिस्म के हिस्से कहीं के ऊपर फैसला नहीं कर पाते हैं कि करें कि ना करें, देखें कि ना देखें, सुने कि ना सुने, उठाएं कि ना उठाएं, तो ये दिल ही है कि जो उनकी रहनुमाई करता है कि देखो ये देखने जैसा है, ये बोलने जैसा है, ये सुनने जैसा है, ये उठाने जैसा है, यहां चलने जैसा है। एक मर्तबा हिशाम कहते हैं, अफसोस अफसोस तुम्हारे हाल पे कि अल्लाह ने तुम्हारे जिस्म को भी बगैर इमाम के नहीं छोड़ा। और जब तुम्हारे जिस्म के हिस्से शक और शुभे में गिरफ्तार होते हैं तो यह दिल है कि जो उनको यकीन की मंजिल तक पहुंचाता है, उनकी हिदायत करता है। तो वो अल्लाह कि जिसने इस छोटे से जिस्म को बगैर इमाम के नहीं छोड़ा, कि जब शक होता है तो यह दिल हिदायत करता है, तो यह इतनी बड़ी कायनात और इतनी बड़ी कायनात में बसने वाले ये करोड़ों अफराद, इनको शक में छोड़ देगा और इनकी हिदायत का कोई इंतजाम ना करेगा। जिस तरीके से तुम्हारे दिल के लिए, तुम्हारे जिस्म के लिए दिल की जरूरत है, ऐसी समाज और माशरे के लिए ईमान की जरूरत है। एक सलावत भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कलिमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्मी, पहला अकीदा तौहीद का अकीदा है। बेशर्त हा व शुरूत हा, इसकी एक शर्त रिसालत, ये दूसरा अकीदा है। बेशुरूत हा, और ये तीसरा अकीदा इमामत, और यही वो अकीदा है अमीरुल मोमिनीन से जो शुरू हुआ सिलसिला इमामत, और ये पाक अरहाम पाक असलाब, जैसा कि आप जियारत में पढ़ते हैं, इन पाक सुलबों और पाक रहमों से होता हुआ जिस वक्त हमारे सातवें इमाम तक ये सिलसिला पहुंचा, तो 11 ज़िलक़ादा जुमेरात का दिन, तवज्जो कीजिएगा, 11 ज़िलक़ादा जुमेरात का दिन 148 हिजरी, ये वही साल है कि जिस साल हमारे छठे इमाम की शहादत हुई है। छठे इमाम जब बिस्तरे मर्ज पे थे, जब आपको जहर दिया गया, तो उससे पहले इमाम ने कुछ ख्वाहिशें जाहिर की थी। उनमें से एक ख्वाहिश क्या थी? एक ख्वाहिश ये थी कि काश मैं आलिम आले मोहम्मद को देख लेता, काश मैं आलिम आले मोहम्मद को देख लेता। अजीजो दादा वो कि जिसके मुतालिक पैगंबर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालीन बाबुहा, और पोता आलिम आले मोहम्मद, दादा बाब मदीनतुल इल्म और पोता आलिम आले मोहम्मद। एक सलावत भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। आठवें इमाम ने अपनी जिंदगी में, अपनी हयात में बहुत से इमाम के करामात हैं, बहुत से मौजिजात हैं, इमाम के बहुत से मुनाजरे हैं, बहुत से मुबाहसे हैं।
इमाम से मंसूब बहुत सी दुआएं हैं, बहुत सी हदीसें हैं। उयून अखबार रजा, ये वो किताब है कि जो खुद आठवें इमाम के अकवाल और इरशादात के ऊपर, उयून अखबार रजा, इमाम के जो अकवाल हैं, इमाम के इरशादात हैं, इमाम के खुतबे हैं, इमाम की दुआएं हैं, इमाम की मुनाजातें हैं, इमाम के मुनाजरे हैं, इमाम की गुफ्तगू और इमाम की बहसें हैं, उयून अखबार रजा। इसी उयून अखबार रजा की एक रवायत सुन लीजिए और बस खत्म और दुआ। इसी उयून अखबार रजा में एक रवायत है, क्योंकि महफिल है, जश्न है, थोड़ा खुश हो लीजिए, नाज करिए अपने ऊपर कि हम शिया हैं। जनाब आदम को जब अल्लाह ने पैदा किया, उयून अखबार रजा की रवायत, जनाब आदम को जब अल्लाह ने खल्क किया तो खल्क करने के बाद जनाब आदम को महसूस ये हुआ कि मैं कुछ हूँ। सारे मलाइका सजदे में हैं सब सामने, तो फौरन कुदरत की तरफ से आवाज़ आई, आदम ज़रा ऊपर सर उठाओ। अब जो आदम ने सर उठाया तो देखा पांच नूर चमक रहे थे। कहा, आदम ने कहा माबूद ये कौन? कहा ये तुमसे भी बड़े हैं, ये तुमसे भी बड़े हैं और इनकी बराबरी ना करना, इनकी बराबरी ना करना, ये तुमसे भी बड़े हैं। बात तमाम हो गई, जनाब आदम जन्नत में रहने लगे। अब वो सब कुरान की आयतें, रवायतें, हदीसें, वो अपनी जगह पर, किसी का इनकार नहीं है, और उलमा और तशरीफ फरमा है, मुफस्सरीन के दरमियान में गुफ्तगू भी है कि आखिर क्या वजह थी कि जनाब आदम उस दरख्त के करीब पहुंच गए, या वो दरख्त अपने से करीब कर लिया, या उसके दाने खा लिए, और अगर वो दरख्त था तो वो कौन सा दरख्त था, और फिर अगर शैतान गया तो कैसे गया। जन्नत में जो इंसान जाता है वो हमेशा रहता है, फिर जनाब आदम निकले क्यों? जन्नत में जालिम और जो दुश्मन खुदा है वो जा नहीं सकता, भी शैतान गया कैसे? ये वो सारे सवालात हैं जिनको तफसीरों में मिलेंगे आपको इसके जवाबात। इससे हटके अब यहां के ऊपर, जनाब आदम जन्नत में है, जन्नत में जैसा कि खुद कुरान कह रहा है ला तक़रबा हाज़ा शजरा, देखो इस तरह के करीब ना जाना, और जनाब आदम उस दरख के करीब हो गए, या उसके फल अपने से कर लिए करीब, मतलब यही कि दरख के करीब हो गए। वो लिबास उतर गया जनाब आदम का, जन्नत में जो ठिकाना और मकाम था वो तमाम हो गया। अब यहाँ के ऊपर आप रवायत सुन लीजिए कि जनाब आदम जन्नत से निकले क्यों। यहाँ पर आठवें इमाम फरमाते हैं, आठवें इमाम फरमाते हैं कि एक दिन इसी जन्नत में जनाब आदम के दिल में एक ख्याल आया, जनाब आदम के दिल में ख्याल आया। वो ख्याल क्या था? पहले कुदरत ने क्या कहा था कि देखो ये जो नूर देख रहे हो पांच नूर, इनकी बराबरी और इनका मुकाबला मत करना। जनाब आदम जन्नत में है और जन्नत में एक दिन ख्याल आया, ओ वो जो अर्श पे हमने नूर देखे थे उनका क्या मकाम था, उनकी क्या अजमत थी, उनकी क्या शान थी, उनका क्या जलवा था, और काश वो मकाम कहीं मिलता। बस इतना ख्याल आना था कि यही ख्याल जरिया बना, यही ख्याल सबब बना उस दरख्त के करीब जाने का, यही ख्याल सबब बना लिबास के उतरने का, यही ख्याल सबब बना जन्नत से निकलने का। बस एक जुमला कहने का दिल चाहता है कि जब जनाब आदम जो अबुल बशर हैं, अहले बैत इस्मत व तहारत का मुकाबला करके जन्नत में रह न सके, तो ये मुसलमान अहले बैत को उनके मकाम और मर्तबे से घटा के जन्नत में जा कैसे सकता है? एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
तो यकीनन आज 1400 साल के बाद, 1350 साल के बाद, 1300 साल के बाद, 1200 साल के बाद, जब आज मोमिनीन इतना खुश है कि हमारा 8वां इमाम आया, तो कल 7वें इमाम कितना खुश होंगे कि मेरा बेटा आया, मेरा वारिस आया, मेरा जानशीन आया। यकीनन खाने इस्मत व तहारत में खुशियां होंगी, मुबारकबाद का सिलसिला होगा, हूरान जन्नत और रिजवान जन्नत मुबारकबाद के लिए आ रहे होंगे, मुबारकबाद दे रहे होंगे। आइए इस खुशी के लम्हे में, इस खुशी के मौके पर, और ये जो अय्याम हैं अशरे करामत, पहली जो ज़िक़ादा से शुरू हुए और 11 ज़िक़ादा पे ख़त्म होते हैं, इसी अशरे करामत की आज आखिरी शब है। जनाब मासूमा वो भी करीमा, 8वें इमाम वो भी करीम, तो जब दो करीमों के दरमियान की ये रातें हैं, दो करीमों के दरमियान के ये दिन हैं, तो इन्हीं दोनों करीमों के वास्ते से उस करीम की बारगाह में दुआ करते हैं, मालिक इन अपने बंदों के ऊपर एक नज़र लुत्फ व करम व इनायत फरमा, बारेला सब की मुश्किलात को आसान फरमा, सब के तमाम उमूर की इस्लाह फरमा, सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, मोमिनीन को हमेशा खुशियाँ नसीब फरमा, दुनिया में जहाँ जहाँ मोमिन आबाद है सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, मकामात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा, उलमा और मराजे की हिफाजत फरमा, इस्लाम दुश्मन ताकतों को जलील ख्वार और नीस्त नाबूद फरमा, अमरीका और इसराइल और आले सऊद और उनके तमाम हम नवाओं को जलील ख्वार और नीस्त नाबूद फरमा। बार इलाहा हम सबको इमाम अली रजा जनाब मासूमा और तमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम की जियारत नसीब फरमा, जन्नतुल बकी और जन्नतुल मौला की तामीर के असबाब फराहम फरमा, जिन मलूनों ने इन रोज़ों को मुनदिम किया उनको दुनिया और आखिरत में जलील व ख्वार फरमा, जो मोमिनीन मरीज हैं उनको शफा अता फरमा, जो दुनिया से रुखसत हो चुके उनकी मगफरत फरमा, मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के गुलामों और उनके नासरों में शुमार फरमा, हम सब की तमाम दीनी और दुनियावी हाजतों को पूरा फरमा, व तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लमू तस्लीमा।